नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रोथ में है। आप देख सकते हैं 5G का अगर ग्रोथ लेवल यहाँ पे चेक करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.42% हमें ग्रोथ लेवल देखने को मिला है। तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे ग्रोथ लेवल आगे कितने दिनों तक हमें देखने को मिलेगा और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी एनालाइज़ करेंगे और ग्राफ को भी एनालाइज़ करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक में वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 day का ग्राफ चार्ट चेक करें तो यहाँ पे हमें 6.36% का इंक्रीज लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 day की बात करते हैं तो फिर भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ लेवल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा, ये सबसे बड़ा बात हो गया। और ये अगर हम 6 month का एनालाइज़ करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं 6 month का सबसे ज़्यादा मतलब हाई जंप में अभी VI है। तो ऐसे में क्या अभी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या फिर अभी बेच के निकल जाना सही रहेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो गया कि अचानक से इतना ज़्यादा मतलब अचानक से तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे अच्छा खासा मतलब टाइम भी लिया है। आप देख सकते हैं सितंबर से नवंबर तक मतलब अच्छा खासा ही टाइम लिया है। टाइम लेने के बाद हमें यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों है, उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो VI की तरफ से जो अपडेट जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें VI का जो नेटवर्क है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले जैसे होता था कि अभी टावर नहीं आ रहा था तो अभी टावर भी आने लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी इसीलिए यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये हो गया मेन बात, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारा रीज़न है जिसके ऊपर एनालाइज़ करने के बाद ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा ग्रोथ लेवल हमें देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप पकड़ ले के इसका जो VI का जो पोर्टिंग ऑप्शन है, मतलब पोर्ट करने के बाद जो ऑफ़र है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, और इसका जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कैशबैक हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो लिमिटेड है, इसका शेयर अभी बहुत ही अच्छा होने वाला है और अभी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हाई जंप है अकॉर्डिंग टू आप ग्राफ एनालाइज, मतलब जो भी पेनी स्टॉक है वो कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो बहुत बड़ा एक हाई जंप आने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 month में बहुत ही बड़ा ये हाई जंप है, इसके अकॉर्डिंग मतलब पेनी स्टॉक में जो स्ट्रेटेजी काम करता है ग्राफ का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें डिक्रीज लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी तो आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो फिर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो खरीदता रहता है और बेचता रहता है, तो ऐसे में वो उसको अभी प्रॉफिट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो अगर उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो अभी जितने मतलब अच्छा खासा ग्रोथ में अगर ख़रीदे थे, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस लेवल पे समझ लीजिए ये 11.90 रुपये है, इस लेवल पे अगर ख़रीदे थे तो इसी वीक में आप यहाँ पे बेच देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका जो ग्राफ एनालाइज है, इसका जो ग्राफ का चार्ट का जो एवरेज है वो आप देख सकते हैं, 8 number जो रो है उसका एवरेज दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो इसका एवरेज मतलब इतना तक नीचे हमें आने वाले समय में हमें 8 number जो यहाँ पे रो है उसके आसपास देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जब वहाँ पे आएगा तब आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के ऊपर बात। ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एडुकेशनल पर्पज़ के लिए ये बनाता हूँ, और ये वीडियो मैं सिर्फ आपका जो डिसीज़न है उसको हेल्प करने के लिए सिर्फ बनाता हूँ। तो
ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस समझ के मत लीजिएगा, आपका डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना डिसीजन लेने में आसानी हो सकता है आपका डिसीजन लेने में। तो इसीलिए ये वीडियो था। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुआ होगा, अगर हेल्प हुआ है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।